उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देख पाएंगे, यूज़र यूज़र नेम और ईमेल आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं या पासवर्ड, या फिर आप यहाँ पे एक ऑप्शन देंगे एनरोलमेंट लॉगिन विया रेफरेंस और एनरोल नंबर, जस्ट आपको यहाँ पर आपको सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो आपको इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर के थ्रू भी आप लॉगिन हो सकते हैं या फिर एनरोलमेंट के नंबर के थ्रू आप लॉगिन हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एनरोलमेंट के थ्रू हम लॉगिन होंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद सिंपली आपको लॉगिन पर जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देख पाएंगे, नीचे आएंगे तो डैशबोर्ड में लॉगिन होने के बाद थोड़ा आप नीचे कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन देख पाएंगे अपलोड टीएमए। तो जस्ट आपको इस पर आपको सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो आपको अपलोड टीएमए आप जस्ट आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन देगा है आपको कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे पहले फर्स्ट स्टेप है अपलोडिंग ऑफ टीएमए विल बी अवेलेबल ओनली एज पर द टीएमए अपलोडिंग शेड्यूल मेंशन बाय एनओएस फॉर इस सब्जेक्ट। जो आपके सब्जेक्ट का हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा जो भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे व्यू एंड अपलोड टीएमए, जस्ट आपको इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो मीडियम है आपको मीडियम सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि इसका इंग्लिश मीडियम है और यहाँ पे जिस मैंने लिखा गया है उस आपको तो इंग्लिश में, और आपको जस्ट यहाँ पे ब्राउज़र पर आपको जस्ट आपको क्लिक कर देना सिंपली। तो फ्रेंड्स मैं पूरा स्टेप मोबाइल से दिखा रहा हूँ। तो जैसे देख सकते हैं मेरा ये वाला पीडीएफ है, और आपको बोल देता हूँ आप ध्यान से आपको करना है, जो सब्जेक्ट एक बार अपलोड करने के बाद आप दोबारा उसको रिमूव नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत ध्यान पूर्वक इसको आप देखिए और अपलोड कर दीजिए। तो मेरा जैसे ये है और 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपको सिंपली इसको आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पर आपको यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर वेट करना होगा कुछ देर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली टीएमए अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।